आजू बाजू वाले डॉक्टर के पास जाने का बिल्कुल अब हिम्मत नहीं कर रहा है। बस यहाँ पे जैसे हैं तो इनका सबसे पहला रिएक्शन यही था कि भाई क्यों खिला रहे हो दवा ऐसे गाँव के डॉक्टर से। जब क्या को इंजेक्शन लगा, तीन इंजेक्शन लग गया और इंजेक्शन से ही बहुत ज़्यादा डर रही है सोनाली की। अभी हमारा लाइफ जो है वो लास्ट 2 महीने से इतना सफ़र हम लोग कर रहे हैं एक एक छोटा छोटा चीज़ के लिए। समझ नहीं आ रहा कि समस्या इतना ज़्यादा हो कैसे रहा। एक इंसान का उम्र हो जाता है, एज हो जाता है और तब इतना कुछ दुख समस्या आता है तो लोग को समझ में आता है कि हमको झेलना पड़ेगा। बट लास्ट 2 महीने से हम बैक टू बैक कभी हमें दिक्कत कभी सोनाली को होता ही जा रहा है। अभी क्या हो गया कि सोनाली को बुखार हो गया था तो हम गए जस्ट दवा लेके आए, बट दवा खिलाने के बाद ठीक रहा लेकिन हर 2-3 घंटे ठीक रहने के बाद वापस हो जा रहा था। तो कल ही शाम को हुआ था और उसके बाद से ऐसा हो गया कि इसके सर पे हमारा हाथ तक नहीं रखा जा रहा था, बहुत तेज़ हो गया था। तो अभी सुबह में इतना परेशान हो गए थे कि बाजू में हमारे हाजीपुर में एक हॉस्पिटल था उधर लेके आए हम। हमारे डॉक्टर वगैरह 2 डॉक्टर थे, स्टाफ थे, नर्स थी, सब कोई परेशान हो गया। बैक टू बैक इंजेक्शन, पानी चढ़ाना, कितना कुछ हुआ लेकिन सिचुएशन कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा था। इतना ज़्यादा हम परेशान हुए थे कि हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम घर वाले को ज़्यादा बताना नहीं चाह रहे थे कि हमारे से ज़्यादा वो परेशान हो जाएंगे ऑडियंस। तो आप बताइए, छोड़िए हम बताते हैं। लास्ट ब्लॉग जो हम लोग डाले थे, हम लोग क्या हम ही डाले थे, ब्लॉग नहीं था, जस्ट हमारा इन्फो था कि इतना दिन हो गया वीडियो नहीं डाल रहे हैं। मिसकैरेज वाला जो कहानी था वो बहुत पहले ख़त्म हो रखा था बट फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे सो नहीं बना पा रहे थे। अभी अचानक से हम हॉस्पिटल में हैं और अभी सोनाली का ऐसे इधर पानी चल रहा है और बहुत कुछ अब जो हो रहा है। स्टार्टिंग में तो हम लोग का इतना इमरजेंसी कंडीशन था, इतना ख़राब स्थिति था कि हम क्या बोलें, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और हुआ क्या था कि पिछला वाला जो हमारा सिचुएशन था वो तो जो होना था वो जब पूरा ख़त्म हो गया था तब हम लोग बीच में डिस्टर्ब हो गए थे सो वीडियो नहीं डाले थे। तो एक जस्ट इन्फो वीडियो बनाए थे और उसमें बोल दिए थे कि ऐसा ऐसा करके है। उसके बाद से हमारे घर वाले अलग, इनके घर वाले अलग, इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि वो बार बार आके पूछ रहे हैं क्या हुआ नहीं हुआ, बट हम लोग तो फेस नहीं कर पा रहे। और वो सिचुएशन चल ही रहा था जब तक कल हुआ अचानक से कि सोनाली का रात में ये बुखार आ गया और बुखार इतना तेज था कि ना हाथ पूरा पल्ला है, पैर पूरा पल्ला है, बट बुखार जो था वो सर पे बहुत ज़्यादा था। मतलब इधर दवा खिलाने के बाद तो हम जैसे ऐसे गए नॉर्मल जो मतलब नियर बाई में जो भी मेडिकल स्टोर होता है वहाँ से आदमी दवा लेता है, तो वहाँ से गए दवा लेके आए, दवा एक खुराक खिलाए तो बुखार ठीक हो गया। बुखार ठीक हो जाने के बाद क्या हुआ कि 2-4 घंटा ठीक रहा सब, उसके थोड़ा देर बाद वापस से बुखार आया, हम वापस से दवा खिलाए, लेकिन उसके बाद सुबह तक बिल्कुल भी कंडीशन ठीक नहीं था। ऐसे हमसे जितना हो पाया, जैसे आदमी जानते हैं ना कि ठंडा पानी लो उससे पट्टी करो, तो पट्टी किए, पट्टी करने के बाद भी कंडीशन ठीक नहीं हो पा रहा था और रात से लेकर सुबह तक बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे। ये तो ऐसा भी कंडीशन में नहीं थी कि ना चल सके, ना घूम सके, ना पानी पी सके, ना खाना खा सके, तो कुछ भी नहीं हो रहा था। और उसी में सुबह बहुत ज़्यादा परेशान हुए तो फिर हम हमारे हाजीपुर में एक हॉस्पिटल था जो उधर आए लेके, और उधर लेके आने के बाद पता चला कि कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब था कि अभी एडमिट कर लिया गया और एडमिट कर लेने के बाद अभी इस हाल में है सोनाली, जो कि बहुत सारा दवा वगैरह था इसमें गए थे दवा लेके आए, फिर कुछ पानी था, सिरिंज था, जो भी था वो सब चल रहा। तो ज़िंदगी में मतलब वही है कि एक समस्या ख़त्म नहीं हो रहा है, दूसरा आता जा रहा है। और हमारे फैमिली मेम्बर से खास करके पिछला जो ब्लॉग जो वीडियो हम इन्फो वीडियो डाले थे उसमें आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा किया था, जो भी आपके तरफ से लगा था आप लोगों को भी दुख हुआ था जैसे हमें हुआ था। बट अभी हम अपने फैमिली मेम्बर को और उनको बोलना चाहते हैं कि ये जो कंडीशन है ये ऐसा नहीं कि उसके वजह से, अभी जस्ट रिपोर्ट के लिए गया है, डॉक्टर भेजे हैं रिपोर्ट के लिए, तो दवा भी आ गया और रिपोर्ट के लिए भेजे हैं, बट अभी थोड़ा देर हुआ जिसमें दवा चला, इंजेक्शन हुआ। कितना इंजेक्शन लगा सोनाली? क्या को इंजेक्शन लगा, 3 इंजेक्शन लग गया और इंजेक्शन से ही बहुत ज़्यादा डर रही है सोनाली की। तो अभी बस ऐसा है और इसमें अभी सासू माँ हमारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, वो हाजीपुर हम लोग को बिना बताए आ रही थी, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे, बट जैसे ही हम निकलने वाले थे तब तक फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं, तो हम बोले कि अब हम लोग हाजीपुर जा रहे हैं तो आप उधर ही आइए। तो अभी यहाँ पे हमारी सासू माँ आ रही है और मम्मी
जैसे वो वीडियो डाले थे उस दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के घर से आ गई थी, तो उस दिन हमारे पास रही थी और चली गई थी। उसके बाद यूट्यूबर में प्रिंस रंधना से हमारे पहले मुलाकात हुआ था, वही सचिन भाई के बर्थडे में, सचिन भाई के यहाँ पे जब हम लोग गए थे मनीषा भाभी के बर्थडे में, तब तो इधर से गुजर रहे थे वो प्रिंस रंधना, तो वो भी आए थे। प्रिंस रंधना थी, रंधना भाभी थी और उनकी बहन थी, तो वो लोग आई थी मिलने। ऐसे मिला लोग, सिचुएशन देखा, तो उनके साथ कैसा रहा? ठीक है, अभी वो लोग हमारे घर पे ही हैं क्योंकि वो आए थे, तो आने के बाद वो लोग जस्ट रिलैक्स किए, हम लोग उनके साथ घुल मिल गए। फिर उसके बाद वो जब जाने लगे तो हम, अभी ऐसा चल रहा है कि दुर्गा पूजा वाला शूट वूट चल रहा था, तो उसमें हम लोग बोले कि आप भी ऐसा करवा लो, तो वो रुके हुए थे उसी के लिए, तो हो रहा था। तो अभी वो लोग हमारे घर पे ही हैं, जब तक हमारे साथ इमरजेंसी हुआ तो हम इधर आके जस्ट एडमिट हुए पड़े। अब इसमें बाहर से इतना आवाज़ क्यों होने लग गया यार? अभी तुम्हारा कंडीशन क्या लग रहा है? ठीक है, अभी फील हो रहा है? अच्छा, पहले से ठीक है। कल रात तक कैसा था? रात तक क्या, दिन तक बहुत खराब था। अभी? अभी ठीक लग रहा है। और पता नहीं क्यों आने के बाद ऐसा हो गया था कि ये इतना ज्यादा सोच रही थी, इतना ज्यादा घबरा रही थी कि डॉक्टर बार 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 पूछ रहे कि तुम इतना घबरा क्यों रही, रिलैक्स क्यों नहीं हो रही, रिलैक्स क्यों नहीं हो रही है। तो उस टाइम क्या चल रहा था मन में तुम्हारे? अच्छा, इंजेक्शन देख के डर लग रहा था। तो अभी बस है, अब एक बार रिपोर्ट आने देते हैं, बहुत सारा चेकअप के लिए गए हैं, क्योंकि बुखार, उनका कहने का मतलब है कि बुखार जब आता है तो हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, और हमारा भी वही मानना था कि अभी यहाँ पे आए, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो जाने के बाद अब हम फिर घर पे लेके जाएं, फिर वहाँ फिर ऐसा बुखार आता है तो गाँव में ऐसे वो मतलब बोला था ना, आजू बाजू वाले डॉक्टर के पास जाने का बिल्कुल अब हिम्मत नहीं कर रहा है। बस यहाँ पे जैसे हैं तो इनका सबसे पहला रिएक्शन यही था कि भाई क्यों खिला रहे हो दवा ऐसे गांव के डॉक्टर से, जब भी कुछ हो रहा है तुरंत लेके आ जाया करो। तो हमारा आगे से वही रहेगा कि कुछ हो तो इधर लेके आ जाए, क्योंकि डॉक्टर से दवा लेके आने के बाद अगर जब बाहर ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं तो उनको उनके हिसाब से वो दवा गलत ही है, जबकि ठीक है वो दवा काम किया कि कल एक खोरा खाने के बाद वो नॉर्मल हुआ, बट ठीक है वो गाँव का दवा उतना ही हो सकता है, एटलीस्ट पूरा चेक करवाना तो जरूरी था। तो अभी किस चीज के लिए, किस किस का रिपोर्ट के लिए गए थे वो चेक करवाने के लिए? डेंगू था। हाँ, वो हमको बताया कि ऐसे डेंगू और एक कोई नया में चिकन गुंजा करके कुछ आया है, फिर टाइफाइड, मलेरिया और पता नहीं इतना सारा 10-12 लिस्ट बना के दिया, बोले कि ये सारा चीज चेक होगा। तो एक बार जस्ट अभी हम लोग रिपोर्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, और सोचे कि चलो ये वीडियो शूट करके डाल देते हैं कि एटलीस्ट जो हमारे फैमिली मेम्बर हो, जो इनके फैमिली मेम्बर हो, एक बार वो चीज़ को देख लें।